व्यूज और लाइक्स से पैसा कमाने का ऐसा नशा छाया है ना कि हमारे टीनेजर्स बच्चे भी बड़े धार्मिक हो गए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, प्रेम मंदिर, वहां पर जाते हैं ये और ईश्वर से रूबरू होते हैं। घंटा घंटा तो जरूर बजाते हैं ये लोग, लेकिन ईश्वर से रूबरू नहीं होते। ये रील्स बनाते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं और वहाँ पे इतनी भीड़ मचाते हैं, फिर गंदगी करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। भी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर की केदारनाथ में कुछ लड़के ढोल नगाड़े बजाकर वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ के प्रशासन ने उनको रोका, उनको बताया कि भाई पहाड़ों को आवाज़ से तकलीफ होती है। और अभी तो नया नया जो केस है कि थार से वो जो लड़कियाँ गॉगल लगा कर और महंगे महंगे कपड़े पहनकर उतर रही हैं, हैट पहनकर टशन मार रही हैं, वीआईपी लोग, उनको ये टशन है कि हम वीआईपी हैं, देखो हम सीधा मंदिर में बिल्कुल सामने आए हैं। जो सुविधा बुज़ुर्गों को, दिव्यांगों को मिलती है वो उठा रही हैं अपने अमीर बाप या जिनकी भी वजह से, ठीक है ना। मतलब लेकिन उनको शर्म नहीं आती, क्योंकि जो ईश्वर है ना वो इन चीज़ों से नहीं खुश होते। अगर आप नियमों का पालन करेंगे, अगर आप सच्चाई से रहेंगे, तब वो खुश होते हैं। हे महादेव, कब खोलोगे तीसरी आँख और भस्म करोगे ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी या अमीरों को, वीआईपी को।